बिस्मिल्लाहिर्रहमान भाई, मैं मुरंगा के पत्ते पका रहा था, सौभाग्यना सौभाजना की भुजिया मुरंगा, और मैंने फ्राई पैन रख के तकरीबन एक से डेढ़ गिलास पानी डाल दिया। पत्ते इतने तोड़ के ले आया हूँ, सब्जी तोड़ लिए, टहनियों से निकाल दी और उनको अच्छी तरह धो दिया। धोना बहुत अच्छा ज़रूरी है ताकि कोई कचरा गलाजा कीड़े वगैरह या वो बाकी नहीं आ रहे। और उसके बाद अब मैं इसको 10 से 8 मिनट के लिए पहले पानी या अच्छी तरह कर दूँ, 10 से 1 मिनट के लिए इसको ढक देता हूँ और 10 मिनट बाद फिर आपको दिखाऊँगा। 10 मिनट के लिए मैंने ढक दिया इसको और 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊँगा। मैंने मोरंगा के पत्ते एक प्याले में निकाले थे, एक प्याले भर के और उसमें पानी डाला था और उसको पकाने के लिए रख दिया था। जब वो तकरीबन हाफ कुक हो गए तो मैंने इसमें एक छोटा सा आलू क्यूब बना के इसमें डाल देता हूँ। और हमेशा याद रखिए, लोग जो हैं वो बाजारी चिकन के क्यूब वगैरह लाते हैं और वो खाने में डालते हैं। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि उससे बेहतर ये है जब भी आप सूप निकाला करें तो चीज़ें उसके अंदर उसका सूप रख लिया करें फ्रीजर में, और जब इस्तेमाल करना हो चिकन का या गोश्त का सूप, ये गोश्त का सूप क्यूब के तौर से मैंने डाल दिया और इसको फिर ढाल दूँगा तकरीबन 2 से 3 मिनट, 5 से 7 मिनट, 10 मिनट, जब तक कि वो सब्ज़ी गल ना जाए और आलू भी मैंने जो डाले थे वो गल गए और पानी भी ड्राई हो गया तकरीबन, ये आलू गल गए हमने देख लिया। और अब हम इसमें लहसुन डाल देंगे, लहसुन डाल दिया 3 फांके लहसुन की मैंने डाल दी। याद रहे मैंने इसमें सूप क्यूब की बजाय सूप डाला था और सूप घर का बनाया हुआ। अब इसके अंदर हम मसाले डालेंगे जनाब। मसालों में ये है ज़ीरा और साबित धनिया को भूनने के बाद कूटा हुआ, ये जनाब अभी अजवाइन है, ये ज़ीरा है साबित, ये चाट मसाला है, ये कश्मीरी मिर्च है और ये दूसरी मिर्ची, तमाम तमाम चीज़ें हम इसमें डाल देते काट के। और अभी तक हमने इसमें ऑयल नहीं डाला है, ये मिक्स हो गया मसाला, पानी का थोड़ा सा पानी है डालिए, उसमें मिक्स हो जाना चाहिए। और उसके बाद जनाब अभी असली घी, असली घी के मैं 2-3 चम्मच, कहते हैं कि असली घी तो गला खाया हुआ, इसको अगर 2-3 चम्मच खाने के 2-3 चम्मच ज़्यादा आ गए वो डाल देना और इसको भून लूँगा। नमक कभी ज़्यादा नहीं क्योंकि इसमें चाट मसाला ज़्यादा था, उसमें ऑलरेडी नमक होता तो उसको चख लेते हैं। नमक की थोड़ी सी कमी है, मिर्च ज़बरदस्त है और ज़बरदस्त बनी है हमारी सब्ज़ी। अब थोड़ा सा पानी ताकि लग ना जाए, भूंगे भून गई। आखिर में इसमें थोड़ा सा नमक और ऑयल। अब जनाब अभी तकरीबन हमारा खाना तैयार है, इस पर जैतून का तेल डालना है। जैतून का तेल सर्विंग के बाद या सर्विंग के अंदर या सर्विंग से पहले डाला जा सकता है। और कल मेरे यहाँ बना था दम का कीमा, साथ में मैं दम का कीमा चाहे इसमें मिक्स कर दें चाहे साइड में रख दें, दम का कीमा, जैतून का तेल, थोड़ा सा जैतून का तेल देना। और अभी इसको मैं सर्विंग में दम प्लेट में निकालने से पहले ये कल का हमारा दम का कीमा
ताकि थोड़ा सा सालन जो है ज़्यादा भी हो जाए, 1 से 2 लोग खा सकें। ये मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, इसको मिक्स कर दिया। माशाल्लाह तबारकल्ला हमारा खाना तैयार। ये फ्रीजर से निकाला तो थोड़ा सख्त है, पिघल जाएगा। क्या ना गरम खाना ऊपर से डाला है मैंने तो वो मिक्स हो गया। फिर कहा चखा था, थोड़ा सा नमक खाने, नमक की कमी को मैं दूर करता हूँ, और उसके बाद सर्विंग प्लेट में निकालता हूँ। थोड़ा सा नमक, अब इसको निकालेंगे जनाब सर्विंग प्लेट में। खाना हमारा माशाल्लाह तैयार, ऊपर से आप धनिया वगैरह जो है डेकोरेशन के लिए और खाने के लिए डाल देते हैं। चूल्हे को मैंने कर दिया है बंद, और आपको यहीं पे निकाल के दिखा देता हूँ सर्विंग प्लेट के अंदर।